हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल रोजी मेकओवर। एंड आज मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल पार्टी आई मेकअप शेयर करूँगी, जिसे आप इजीली किसी भी पार्टी लुक्स पे और वेडिंग गेस्ट लुक्स पे क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही ये बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आई बेस को अप्लाई करके अच्छे से सेट कर लिया है। एंड मैं यहाँ पे मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट वॉल्यूम 2 को यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे ब्राउन न्यूडी शेड को लेकर पूरे क्रीज एरिया पे प्लेस करके ब्लेंड करूँगी एक बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड स्लोली शेड को मैं बिल्ड करूँगी सो एक अच्छा सा इंटेंस लुक प्रोवाइड हो एज अ ट्रांजिशन शेड। नेक्स्ट मैं ये डीपर ब्राउन शेड को लेकर मेरे नेचुरल क्रीज लाइन पे डिपॉजिट करूँगी एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे बिल्ड करूँगी एंड साथ ही एजेस को प्रीवियस शेड के साथ स्लोली ब्लेंड करूँगी सो इससे प्रीवियस शेड थोड़ा और इंटेंस दिखेगा। इसके बाद मैं दोबारा फ्लफी ब्रश के हेल्प से सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एजेस अच्छे से ब्लेंडेड दिखें एंड कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना रहे। देन मैं सेम ब्रश पे ये ऑरेंजिश ब्राउन शेड को एंड थोड़ा सा ब्लैक शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे डिपॉजिट करूँगी एंड स्लोली शेड को मैं बिल्ड करूँगी इंटेंसीफाई लुक देने के लिए। सो इससे क्रीज एरिया को एक अच्छा सा डेप्थ प्रोवाइड होगा। एंड ये पैलेट बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत सारा कलर प्रोवाइड करता है आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं इनमें। एंड नेक्स्ट मैं फिर से एक बार फ्लफी ब्रश के हेल्प से सारे शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे एंड सारे शेड अच्छे से ब्लेंडेड दिखे। एंड ये मैं थोड़ा सा टाइम लेकर करूँगी। इसके बाद मैं एलेगल प्रो कंसीलर इन दी शेड वाइट को फ्लैट ब्रश पे लेकर इनर कॉर्नर से हाफ मेड एरिया तक कट क्रीज का जो लाइन है वो मैं क्रिएट कर लूँगी मेरे नेचुरल क्रीज लाइन को गाइड करते हुए। एंड देन मैं सारे कंसीलर को पूरे लिड पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से एंड सेट कर लूँगी डैब डैब करके। एंड इसके बाद मैं फिंगर के हेल्प से एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बाकी शेड अच्छे से वहाँ पे प्लेस हो सके एंड कोई भी पैचेस ना हो। नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक एंड ब्राउन शेड को एक साथ लेकर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी एक स्मजर ब्रश के हेल्प से एंड स्लोली शेड को मैं थोड़ा बिल्ड करूँगी एंड देन इसे मैं जिगजैग टेक्निक के हेल्प से ब्लेंड करूँगी हाफ मेड एरिया तक। एंड देन मैं ये ब्राउन शिमर शेड को एक स्मॉल ब्रश पे लेकर सेंटर पार्ट पे अप्लाई करूँगी। एंड ये शिमर बहुत ही ब्यूटीफुल है बट कैमरा में उतना शो नहीं हो रहा है। सो इसके बाद मैं स्लोली शेड को इंटेंसीफाई करूँगी एंड ब्राउन शेड के एजेस के साथ इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ये व्हाइट शेड को सेम ब्रश पे लेकर इनर पोर्शन पे प्लेस करूँगी सो इससे इनर कॉर्नर ब्राइटर शो होगा एंड साथ ही आइज थोड़ा बिग दिखेगा। देन मैं थोड़ा थोड़ा करके शेड को थोड़ा बिल्ड करूँगी मैं एंड फिर से मैं एक बार शिमर शेड को रीअप्लाई करके व्हाइट शेड के साथ ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारी शेड अच्छे से ब्लेंडेड दिखे। इसके बाद मैं सेम लाइट ब्राउन शेड को लेकर लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी स्मॉल ब्रश के हेल्प से सो इससे लोअर लैश लाइन को थोड़ा डिफाइन लुक मिलेगा। एंड देन मैं सेम ब्लैक शेड को फ्लैट ब्रश के हेल्प से लोअर लैश लाइन के क्लोज प्लेस करूँगी ताकि लोअर लैश लाइन को थोड़ा डेप्थ प्रोवाइड हो। एंड देन सेम मैं स्मॉल ब्रश के हेल्प से इसे मैं अच्छे से टाइम लेकर ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस वहाँ ना दिखे। फिर मैं PSC न्यूट कूल पेंसिल से वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी ताकि आइज थोड़ा बिगर दिखे एंड ब्राइट दिखे। एंड देन मैं ये ब्राउन शिमर शेड से ब्राउ बोन को एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से। नेक्स्ट मैं फेसेस कनाडा आईलाइनर से लैश लाइन के क्लोज थिन लाइन ड्रॉ करूँगी एंड आउटर कॉर्नर पर मैं एक सिंपल सा विंग ड्रॉ कर लूँगी एंड साथ ही मैं इनर कॉर्नर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगी शार्प लुक प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट मैं लैशेस को कर्ल कर लूँगी वेगा लैश कर्लर से एंड एसेंस प्रिंसेस लैश मस्कारा से अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी वॉल्यूम एंड लेंथ प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये मस्कारा बहुत ही अच्छा लेंथ वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ऑफ कैमरा मैं लैशेस को भी अप्लाई कर लूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ मिनी ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रैंड न्यू वीडियो। टिल देन बाय गाइज़।